गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन चैप्टर फोर्थ स्पेशल नेम्स। तो बच्चे हमने स्पेशल्स नेम किए थे, ठीक है। इसमें हमने देखे थे कि किस कौन कौन से हमारे स्पेशल्स नेम होते हैं, तो इसी में आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए ए वाली पेज नंबर 26 में अंडरलाइन द स्पेशल नेम इन द सेंटेंसेस। आपको जो स्पेशल नेम है उसके नीचे पहले अंडरलाइन खींचनी है, यानी कि एक लाइन खींचनी है। Rewrite the sentences, these sentences and remember to begin the special's name. आपको जब दोबारा लिखना है सेंटेंस तो आपने स्पेशल्स नेम को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। ये देखिए, तो ये हम करेंगे। ये अंडरलाइन फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आई शॉ सुरेश एंड राजेश एट द बस स्टॉप। मैंने सुरेश और राजेश को कहाँ देखा, बस स्टॉप पे। तो सुरेश और राजेश दोनों के हमारे स्पेशल नेम है, तो पहले इनके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब इनको जब दोबारा लिखेंगे तो हम लिखेंगे आयशा सुरेश, यानी कि सुरेश को कैपिटल एस कैपिटल हो जाएगा एंड राजेश का आर भी कैपिटल हो जाएगा। लिखने सेम सेंटेंस है लेकिन जो स्पेशल नेम है उनको हमने कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आयशा सुरेश एंड राजेश एट द बस स्टॉप। सेकेंड, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। तो इसको भी लिखेंगे, पहले तमिलनाडु एंड चेन्नई दोनों को हमारे स्पेशल नेम है तो दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं। अब रीराइट अगर दोबारा लिखेंगे तो द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का टी कैपिटल कर देंगे एंड चेन्नई का सी कैपिटल करेंगे। द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। थर्ड है बच्चा, आई विजिट दिल्ली आगरा एंड मुंबई। मैं कहाँ गया था, दिल्ली आगरा एंड मुंबई गया था। तो फिर इसको दोबारा पहले तो अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारे स्पेशल नेम है दिल्ली आगरा एंड मुंबई। तो आई विजिट दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल, आगरा का ए कैपिटल एंड मुंबई का एम कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है, व्हेन आई वाज इन हैदराबाद आई मीट माय ओल्ड फ्रेंड संतोष प्रताप एंड निखिल। जब मैं कहाँ गया था, हैदराबाद गया था, तो वहाँ मुझे मेरे पुराने दोस्त मिले थे। तो देखिए हैदराबाद क्या, एक सिटी का नाम है, स्पेशल है, तो हैदराबाद में पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब नाम है संतोष प्रताप एंड निखिल, तो तीनों हमारे स्पेशल नेम है, तीनों में हमने अंडरलाइन कर दिया। जब हम इसको दोबारा लिखेंगे तो व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, तो हैदराबाद का एच हमने कैपिटल कर दिया। आई मीट माय ओल्ड फ्रेंड संतोष का एस कैपिटल, प्रताप का पी कैपिटल एंड निखिल का एन कैपिटल। ओके, फिफ्थ है, माई नेबर्स हैव टू डॉग्स ऑफ नेम जैकी एंड टॉमी। तो मेरे पड़ोसी के दो कुत्ते हैं, एक का नाम जैकी है, एक का नाम टॉमी है। तो जैकी और टॉमी दोनों क्या है, स्पेशल नेम है। तो जब हम दोबारा लिखेंगे तो माई नेबर्स हैव टू डॉग्स नेम जैकी का जे कैपिटल एंड टॉमी का टी कैपिटल। तो इस तरीके से आपने स्पेशल नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है। ओके, अब देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब आपका बुक में क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आप खुद से करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बुक में फिल करेंगे आपका नाम क्या है। हु आर योर फेवरेट फ्रेंड्स नेम एनी टू, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है, दो दोस्तों के आप नाम लिखेंगे यहाँ पे। एंड थर्ड, वेयर डू यू लिव, राइट इन द नेम ऑफ योर सिटी टाउन एंड विलेज, आप कहाँ रहते हो तो आपने उसका नाम लिखना है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज करनी है। अब बाकी जो हमने अभी करवाया वो आपने अपनी नोटबुक में करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेशल नेम है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके।